hello everyone welcome to biology lecture myself somnath palicha from saraswati international school wapi we had already started a chapter called as excretion and osmoregulation let's proceed with the today's lecture our today's lecture will be we are going to describe the nephron structure in detail okay so the topic which we are going to start that is the functional structure of glomerular membrane okay

की लेयर होती है फाइन जो कि काफी अच्छा फिल्टर करने में मदद करती है इसके अलावा एपिथिलियल के बारे में बात की थी ओके जो कि बनी हुई रहती है पोडोसाइट सेल्स की जिनको हम लोग फूड सेल्स कहते हैं ओके क्योंकि फूड जैसे अपेयर करती है और जो फूड जैसे एरिया जो प्रोजेक्शंस उनके ऊपर दिखते हैं उन्हीं को हम लोग पेडी सेल्स कहते हैं मतलब

Capillary, जो बाकी जगह पे जो फिल्ट्रेशन दिखाती है एक्सचेंज दिखाती है उसका कंपैरिजन ग्लोमेरुलर के साथ किया जाए तो ग्लोमेरुलर जो है वो 100 से 500 टाइम्स बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर कर करके है क्योंकि इसको काफी सारे वेस्ट को बाहर निकालना होता है फाइन इतनी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे इन आवर प्रीवियस लेक्चर वीडियो सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टुडेस लेक्चर दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रेनल ट्यूब्यूल

Opening of the you can say proximal convoluted tubule which is lined by the cuboidal epithelial cells इन्हीं को brush border cells bhi kaha jata hai aur iska function ye hai ki increases surface area for more absorption okay very very important yahan pe question puche jate hain okay कौन से type के cells इसके अंदर present होते हैं तो ये आपको याद रखना है सी, uh, cuboidal epithelial cells है, लेकिन brush border अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को diagram ये इस तरीके से दिखते हैं okay this is how the cuboidal cells look like ओके, okay? ये सेल्स होते हैं right? राइट लेकिन इनका जो फ्री एरिया है रहता है, मतलब इट इस तरीके सेल्स लुक लाइक ओके फंक्शन तो तुमको पता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इतना जरूर ध्यान रखना कि इस पीसीटी के अंदर एक्टिव प्रोसेस होता है मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर करके एब्जॉर्प्शन होता है ओके okay? क्या है पॉवर ऑफ ऑफ सेल्स ओके विच अलाउव द रियब्सार्बन ऑफ द सोल्ट ओके ऐब्जोर्शन ऑफ द सॉल्ट यहाँ पे ग्लूकोज एंड अमिनो एसिड जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं डेट इज हंड्रेड परसेंट absorb कर लिए जाते हैं Okay? ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से फिट कर लो क्योंकि यही से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एनसीईआरटी में भी यही है एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी यही बातें मेंशन की गई थी एज एन एग्जांपल ओके जब आप लोग ब्रश बॉर्डर क्यूबॉल एपिथिलियल सेल्स के बारे में बात कर रहे थे नेक्स्ट लूप ऑफ एनली को लेके बात करते हैं अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन टिब यू कैन से

distal part of the descending limb is actually a thin segment okay jo niche ki taraf aise tube aati hai wo thin segment hoti okay? hai okay and it is lined by the flat epithelial cells ya fir squamous epithelial cells aap log keh sakte ho very very important part you can say the upper part of the descending limb is little bit thick as that of the pct matlab agar main thoda sa enlarge kar do isko upar se so wo thodi si thick ho jayegi dikhne mein hai ki nahi that is a simple logic you can put over here ye dekho समझ में आ गया तो डिस्टिल एंड जो है वो लिटिल बिट थिन है और उसका जो पीसीटी जितना थिकनेस आपको ऊपर से देखने मिलता है सो दिस एरिया इज अ थिक एंड दिस एरिया इज अ थिन एरिया ओके फाइन समझ में आ गया सो द थिन एरिया इज अ डिस्टिल एंड ओके ये याद रखना है आप लोगों को विच इज कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल्स ओके एंड द थिक एरिया विच इज विच यू सी ओवर देर वो सेम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है पैसिव एब्जॉर्बशन आपको यहाँ पे देखने मिलता है हेल्प्स इन वॉट एब्जॉर्बशन पैसिव एब्जॉर्बशन ओके आप लोगों ने पीसीटी में क्या देखा एक्टिव एब्जॉर्बशन डीसीटी के डिसेंडिंग uh, में आप लोग क्या देख रहे हो पैसिव एब्जॉर्बशन Now similarly let's talk about with respect to the ascending limb. It is also a thin and thick segment. Okay,

तो मोस्टली आप लोग देख पा रहे हो कि क्यूबॉइडल सेल्स ही देखे जा रहे हैं border, सेल्स आपने देखे कहां पे पीसीटी के अंदर ओके जो डिस्टिल एंड था डिसेंडिंग लिम्फ का उसके अंदर फ्लैट सेल्स थे फिर आगे जाके फिर से थिक एंड पे क्यूबॉइडल सेल्स देखे थे आप लोगों ने फाइन इस तरीके से आपको ये पूरा रीजन जो है वो याद रखना कंपल्सरी बनता है ओके टर्मिनल पार्ट ऑफ द डी सी टी इज द स्ट्रेट एंड इट इट इज कॉल्ड इज अंक्शनल टिब्यूल या फिर इसको कनेक्टिंग टिब्यूल कहते हैं मतलब डीसीटीज फाइनली टू ओपन इन टू द कलेक्टिंग डिनेटिंग ट्यूब्यूलते हैं मतलब आपको सिटी के अंदर दो टाइप के सेल्स देखने मिल सकते हैं क्यूबॉर्डल देखने मिलते हैं या तो फिर कॉलोम एपीतिलियल सेल्स देखने मिलेंगे ओके okay? नोट करने वाली बात क्या है तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं हर नेफ्रॉन का एक कलेक्टिंग डक्ट होता ही होता है तो मान लो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जब आपस में यूनाइट होते हैं ओके okay? आपस में यूनाइट होते हैं टू फॉर्म द स्टिल लार्जर डक्ट ओके एक बड़ी सी डक्ट बन जाती है, है? और उस डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी फाइन अंडरस्टूड वेरी मच क्लियरली

पार्ट के अंदर होता है नेफ्रॉन्स सब इसी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सबकी कलेक्टिंग डक जो है वो इसी पॉइंटेड रीजन के पास खुलती है ओके और यही बाद में आपका रेनल पेल्विस के अंदर ओपनिंग कर देगा ओके okay, मतलब मेजर माइनर मेजर एंड देन रेनल पेल्विस इस तरीके से ओपनिंग होती है एक बार आप लोग पहले के स्टार्टिंग के वीडियोस देखो मैंने क्या कहा है आपको समझ में आ जाएगा ओके okay? अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं और डायरेक्टली ये लेक्चर सुन रहे हो कुछ पहले नहीं पढ़ने वाला है आई एम डैम श्योर अबाउट दिस ओके तो आपको कंपल्सरी पढ़ना पड़ेगा ओके नेक्स्ट अभी हम लोग ब्लड सप्लाई को लेकर बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देख लिया नेफ्रॉन के ओके okay? Now see, the renal artery arises from the dorsal aorta. ओके okay, ये भी बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं रेनल आर्टरी जो किडनी के अंदर ब्लड को लेके जाती है फिल्टर करने के लिए वो ओरिजिनेट कहां से होती है तो डोर्सल डॉसल पार्ट से ओरिजिनेट होती है ओके इन द किडनी द द रेनल रेनल आर्टरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू एफरेंट मतलब जो किडनी के अंदर जाती है वो अभी एफरेंट आर्टीरियल के नाम से पहचानी जाती है ओके नाउ व्हाट इज द एफरेंट आर्टीरियल एंटर्स इन ईच बॉम कैप्सूल टू फॉर्म द ग्लोम यही एफरेंट आर्टीरियल जो है वो कैपिलरी फॉर्म कर

इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ड्रॉइंग दिखाता हूँ आई थिंक वी आर इन अवर प्रीवियस लेक्चर तो पीछे होगा ड्रॉइंग जस्ट मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या बात चल रही हाँ तो देखो यहाँ पे ओके पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज के बारे में बात चल रही है तो ये तुम्हारा पीसीटी रीजन ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया है ये पीसीटी रीजन है और ये यहाँ पे डीसीटी रीजन है ओके okay? ये डीसीटी रीजन है ओके okay? और ये जो तुम्हारी आर्टरी यहाँ पे दिख रही है दिस इज एफरेंट आर्टरी ए ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ठीक है एफरेंट आर्टरी और ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दिस इज द इफरेंट आर्टरी ओके दिस इज इफरेंट आर्टरी नाउ दिस डिफरेंट आर्टरी एक्चुअली ये वेन का काम करेगी मतलब ब्लड को दूर लेके जाने का काम करेंगे लेकिन दूर कैसे लेके जाएंगे देखो यहाँ से ये ऐसे नीचे आ गई और ये पीसीटी के पास कॉइलिंग दिखा रही है पीसीटी के पास कॉइलिंग होने के बाद इसकी कॉइलिंग डीसीटी के अराउंड होगी ओके okay, पे होगी डीसीटी के अराउंड हो, हो, हो जाएगी फाइन तो ये होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ओके okay? और इसी से मान लो ब्रांच स्ट्रक्चर बन के अगर नीचे की तरफ कैपिलरी फॉर्म करती है तो हम लोग इसको वासा रेक्टे कहते हैं क्या कहते हैं वासा रेक्टे ओके okay. समझ में आया होगा आप लोगों को लेट्स मूव अहेड ओके सो इसी पेज पे थे हम लोग यस yes. तो देखो इफरेंट आर्टेरियल डिवाइस टू फॉर्म द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द पीसीटी एंड डीसीटी ओके नाउ सी फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अरराइजेस अ कैपिलरी ऑफ वासा रेक्टे व्हिच एक्सटेंड पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स इन द मेडुलरी रीजन फाइंड एकदम क्लियर कट है आइडिया पूरा आ चुका रहेगा आप लोगों के लिए फाइन मतलब लूप ऑफ एनली के पास जो भी आप लोग कैपिलरी फॉर्मेशन देखते हैं उनको वासा रेक्टे के नाम से पहचाना जाता है नेक्स्ट The vasa recta consist of descending capillaries and the ascending capillaries. Okay, all the capillary network join to form the finally renal venules. Okay, matlab chahe peritubular region ho ya chahe vasa recta region ho aapas mein wo log ek common opening to तो बनाइ लेंगे. Okay, ये नीचे वाली जो है ये vasa recta हैं और ये ऊपर वाली जो है ये peritubular region है. Finally both are fused in such a way that आगे जाके वो renal venules form करती हैं या फिर renal veins form करती हैं. Okay, give rise to the renal vein which comes

अभी देखो तो आप लोगों को जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड मैक्यूलर डेंसर सेल्स ये जब एक साथ देखने को मिलते हैं तब तो हम इस पूरे सिनेरियो को क्या कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस या फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलस कॉम्प्लेक्स कहते हैं ठीक <coughs> है सॉरी यहां तक बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा मैक्यूला डेंसस सेल्स दीस आर मॉडिफिकेशन ऑफ द कोलुमिनर सेल्स दीस आर द सेल्स ऑफ द यू कैन से डीसीटी फाइन और यही

क्या कहते हैं सेल्स मतलब इन दोनों सेल्स के अलावा भी एक और तरीके का सेल्स 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 आपको देखने मिलेगा जिसको कहते हैं एक्चुअली दिस आर सो कॉल्ड बिकॉज़ दे अ अ प्रोसेस दैट फॉर्म्स लेस लाइक नेटवर्क लेस तो पता है, आप -like बनाते हैं in मतलब, इन दोनों के बीच में होता है लेकिन अभी तक इसका फंक्शन जो है ना ये क्या होते हैं ये क्या करते हैं ये अभी तक अननोन है ठीक है लेकिन जक्स्टाग्लोम एपरेटस इज फाउंड

Try to understand this part very much clearly. देखो, ये थोड़ा सा डायग्राम जूम कर लेते हैं ओके। इट आई थिंक कंफर्टेबल। ये उल्टा है उल्टा है मतलब क्या सर देखो यहाँ पे है आपकी यहाँ से लेके प्रोसीमल कॉन्वलेटेड सेल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं देखने के लिए ठीक है और ये बॉमेन्स कैप्सूल यहीं पे किधर तो लेबलिंग आ, देखो यहाँ पे लेबलिंग आपको देखने मिल रही है फाइन दिस इज वेरी मच क्लियर कट अंडरस्टूड है ना दिस इज बोमेन्स कैप्सूल अभी और फिर ये अंदर क्या है ये अंदर पूरे ऐसे गोले गोले स्ट्रक्चर देख रहे हो व्हाट आर दिस सेल्स दिस आर योर ग्लोमेरुलस ओके देखो इनको बोला गया ना ग्लोमेरुलर कैपिलरी फाइन नाउ दिस इज अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी क्लियर कट है अब कैपिलरी के आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में भी छोटा सा रिवीजन देख लिया था स्टार्टिंग में एपिथेलियल सेल्स याद है पोडोसाइड फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर एंडोथेलियल सेल्स ओके इन सबको क्या कहा जाता है इन सबको एक साथ कहा जाता है वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुल कैपिलरीज ओके वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज कहा जाता है वेरी क्लियर कट अंडरस्टूड मतलब यहाँ पे जितनी लेबलिंग है इनके बीच में जो गैप है उनको कैपिलरी लुमेन कहा जाता है फाइन

यही है जो कि ब्लड को किडनी से दूर लेके जाने का काम भी करेगी ओके okay? बाकी जो आगे जाके इनफीरियर वीना कावा से कनेक्टेड होती है वो यही ट्यूब है एफरेंट आर्टेरियल चलो इतना तो बात आपको पता चल गया अभी बात करते जो तीन डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बारे में बात की थी तो आप लोगों को पता है मैक्यूला डेंसस सेल्स कैन यू सी द डिस्टल कॉर्नुलेटेड ट्यूबुल हैज बीन मेंशन ओवर हियर ओके okay? तो डिस्टिल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल के जो कॉलेमर सेल्स होते हैं है, उनको कहा जाता है? सेल्स, विच इन विद से, एफरेंट है तुम लोगों को ठीक है यहां तक कोई डाउट्स नहीं है जैसे एक्सप्लेनेशन था वैसे ही यहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई है अब तुमको एक और बात याद रखना है इसी के कांटेक्ट में आप लोगों को यहाँ पे जक्साग्लोमर सेल्स देखने मिल रहे जो कि एफरेंट आर्टी रील के ऊपर भी देखने मिल रहे हैं है ना सी ओवर हियर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्लस दिस मैक्यूलर डेंसर सेल्स ये दोनों को आप लोग क्या कहते हो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपेरेंटिस या फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलस कॉम्प्लेक्स कहते हैं अब यही पे बीच में आप लोग देख रहे हो लेसिस सेल्स जिसका फंक्शन अभी तक अननोन है फाइन एकदम क्लियरली अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ओवर हियर ओके एकदम क्लियर कट है सारी चीजें हमारे अभी एक्सप्लेनेशन में थी और ठीक उसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे भी आपको देखने मिली फाइन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन्स बिफोर मैं इसके बारे में बताऊं आप लोगों को एक और डायग्राम देख लेना चाहिए यही है वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन्स ये देखो ये बीच में जो ब्लू और रेड कलर की मार्जिन दिख रही है ना इसको मानो ऊपर का एरिया को मानो कॉर्टेक्स और नीचे वाले एरिया को मानो मेड्यूला ठीक है तो जो नेफ्रॉन ज्यादा करके मेडुला रीजन में आप लोग को देखने मिल रहा है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है और जो नेफ्रॉन्स आप लोग को मेजोरिटी उसका पार्ट आप लोग कहाँ पे देख रहे हो कॉर्टेक्स में देख रहे हो तो उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है एकदम सिंपल सी बात है क्या कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से पहचाना जाता है दैट्स इट

फाइन क्लियर है दे दे आर एसोसिएटेड विद द द वासा ये भी बता दिया कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज शॉर्ट तो उनका काम क्या है प्लाज्मा वॉल्यूम को कंट्रोल करने का जब पानी का सप्लाई जो है वो सबसे कम देखा जाता है ठीक है और अभी आप लोग देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में बात करते हैं

कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80 परसेंटेज है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 15 परसेंटेज है ग्लोमेराई जो है इट इज लाइन द आउटर कॉर्टेक्स वेर एज यर हैव देयर बॉमेंस कैप्सूल क्लोज टू द जक्स्टा जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला, ओके

खास करके याद रखना कि पहला पॉइंट तीसरा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे ज्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके ओके फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट 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 थर्ड एंड द लास्ट से क्वेश्चन मतलब ऑफ टाइप के क्वेश्चन ओके अभी एक लास्ट टॉपिक है इसको भी डील कर लेते हैं देखो यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग ऐसे मानेंगे कि ग्लोमरस के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा है ओके ग्लोमरस के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है बॉमेंस कैप्सुल में हमारा जो फिल्ट्रेट है वो जा रहा है ओके ऐसे समझना है नाउ सी इन द स्मॉल आर्टरीज द एफरेंट आर्टेरियोस द प्रेशर इज 100 एम ओके okay. मतलब जब ब्लड आ रहा है हमारे एफरेंट uh, में तभी उसके पास प्रेशर कितना आ रहा है 100 एम एम का प्रेशर आ रहा है अभी इसको डिवाइड कर देंगे देखो द ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टिकेश प्रेशर जो ग्लोमेरुलस में जाता है वो प्रेशर तभी कितना होगा तो वो 60 एम एम हो जाएगा ब्लड जब ग्लोमेरुलस में जा रहा है फिल्ट्रेशन टेकिंग प्लेस दैट टाइम ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कितना देखने मिलेगा सिक्सटी एम एम फिल्टर जिसको कहते हैं बीसी पी ओके ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बीसीटेड बाई द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ग्लोमेरुला द प्लाज्मा प्रोटीन आर नॉट फिल्टर थ्रू ग्लोमेरुलर कैपलरिज प्लाज्मा के एंड फैट्स ना कभी भी फिल्टर नहीं होते इतना जरूर ध्यान में रखना थर्टी टू एम एम एच जी ओके इट इज प्रेशर मतलब जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नीचे से हो रहा है तभी ये उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है ऐसे अपोजिंग दो प्रेशर होते हैं नेक्स्ट प्रेशर जो आ रहा है वो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ओके अगेन दिस इज एन अपोजिंग प्रेशर सी सी एच पी कहते हैं इसको इट इज अ प्रेशर विच इज एक्सटेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है मतलब अगेंस्ट ही काम कर रहा है अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बाय द फिल्ट्रेट इन द बोमेंस कैप्सूल ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन

ठीक है अब ये सारे प्रेशर तो देख लिए तो एक टॉपिक तो खुलेगा यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर करके जिसको एनएफपी कहते हैं टोटल okay? okay? so, प्रेशर होता है कलेक्टिंग डॉन फॉर्मेशन होगा वो कितने प्रेशर से होगा ये आपको ध्यान में रखना है ओके सो नेट फिल्टरेशन प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जी बी एच पी माइनस बी बी सी ओपी प्लस सी एच पी ओके फॉर्मूला है तो सिक्सटी माइनस 32 प्लस 18 करोगे 60 माइनस 50 करोगे 10 म्मएजी आपको सिनारियो मिल जाएगा ओके okay? मतलब इट इज अ प्रेशर 10 म्मएजी काउंस अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ़ द ब्लड प्लाज्मा टू फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरल्स इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल ओके या फिर आप बॉमेंस कैप्सूल भी कह सकते हो वहां पे ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अभी एक और टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओके ये भी कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाते हैं आपके लिए

कुछ प्रेशर की थोड़ी थोड़ी डिफरेंस देके रखी है मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिक्सटी बताया है ये आपको ध्यान में रखना है ओके जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे उसके हिसाब से दिया है ओके यहाँ पे सिक्सटी ने यहाँ पे सी एच पी का दिया हुआ है पंद्रह और यहाँ पे

टेन एम एम एच से ही सारी चीजें फिल्टर हो चुकी हैं। और बस यहां तक हमारा जो लेक्चर है वो तो समाप्त होता है आई थिंक फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को भी देख ही लेते हैं क्योंकि वो भी वही है तो देखो द फ्रैक्शन एट द ऑफ द रेनल प्लाज्मा मतलब देखो रेनल प्लाज्मा okay, जो फिल्टर होता है उसको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं

और यही आपका मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड हो जाएगा 19.2 मतलब ऑलमोस्ट almost...

तो अच्छी तरीके से आप एनसीआरटी को पढ़ो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से तब तक, तक के लिए टेक केयर बाय बाय